हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा बहुत ही आसान तरीके से और घर में अवेलेबल चीज़ों से। तो चलिए सीखते हैं कि समोसा कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 किलो मैदा, ये आपको इजीली जनरल स्टोर की शॉप पे मिल जाएगा। इसे एक बर्तन में ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही नमक यूज़ करना है। तो नमक को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जिससे कि समोसा बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनेगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे ये पूरे मैदे में मिक्स हो जाए। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है, आप चाहें तो ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे आटे की तरह गूंथ लेना, जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। क्योंकि पानी यहाँ पे गर्म है तो मैंने पहले से स्पून से मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसलिए ऐड करना है जिससे कि ये गीला ना हो। अब इसे गूंथ लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गूंथ लिया है और इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए सेट कर देंगे। तब तक हम समोसे में की स्टफिंग के लिए बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आलू लिया है, इसे बॉईल किया है मैंने और इसे मैश कर लेंगे। ये मैश हो चुका है और अब इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन और हरी मिर्च। इसे हम कूट लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्राइंड नहीं किया है। हमें इस तरीके से इसे कूट लेना है। इसका एक थिक पेस्ट बनाना है, ये देखिए। और इसे अब आलू में मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला मिलाया है, थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको तीखा बहुत नहीं पसंद है तो आप कम तीखा कम मिर्चे का यूज़ करें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर और काले मिर्च का पेस्ट भी डाला है इसमें, इसे इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। तो चलिए बनाते हैं समोसा। समोसा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, इसे गर्म होने देंगे और अब इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और जब तक ये गर्म होता है तब तक हम अपना समोसा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से कवर इसे हटा देंगे। इसमें से थोड़ा सा मैदा लेंगे, इसे हमें इस तरीके से गोल शेप देकर इसे थोड़ा सा चपटा करना है और इसे बेल लेंगे, जिस तरीके से हम पूरी बेलते हैं। हम इसे बहुत लंबा नहीं करना है, इसे 2 पीसेस में कट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हमें समोसे का शेप देना है। इसे इस तरीके से हाथ पर ले लेंगे। इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था आलू का, वो उसमें डालेंगे।
और साइड पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे इस तरीके से। पानी लगाकर हमें इसे चिपका देना है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े समोसे तो नहीं बनाए हैं, छोटे समोसे हैं। इसे रख लेंगे एक प्लेट में और दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसमें पानी लगा कर इसे चिपका देंगे। इसे रख देंगे प्लेट में और जब तक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा तब तक दूसरे समोसे भी तैयार कर लेते हैं हम। इस तरीके से हम इसे बेलना है। इसे कट कर लेंगे नाइफ से। अब इस तरीके से एक पार्ट को उठा लेना है हमें दोनों तरफ से और इस तरीके से मिला देना है। ये चिपक जाता है आसानी से। और इसमें आलू को भर देंगे, आलू की स्टफिंग जो हमने करी है। किनारों पे पानी लगा देंगे। और इसे चिपका देंगे। इसे भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए समोसे बन गए हैं। तो अब इसे फ्राई कर लेंगे हम और तेल भी गर्म हो चुका है अब तक, तो इसे तेल में डाल लेंगे। देखिए एक साइड में ब्राउन हो चुका है, इसे पलट देंगे। हमें इसे अभी थोड़ा और ब्राउन करना है और दूसरी साइड में पकाना भी है, तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए और ऑयल में छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये दोनों साइड में पक चुका है।
इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। मैंने यहाँ पे सारे समोसे को निकाल लिया है, तो हमारा गर्मा गर्म समोसा बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।